सच बोलोगे ना तुम? अगर मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ और वहां पर आके बयान देता हूँ और उसके बाद अगर आप अपने वादे से मुकर गई तो ना मैं इधर का और ना मैं उधर का, मैं तो फंस जाऊंगा फिर। अरे मैं अपने वादे से क्यों मुकरूंगी? मेरा पूरा परिवार आपकी आपकी मदद करेगा। बोली, क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं जरूर आऊंगा। रंजीत, फोन दो मैडम को। हाँ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ मैडम। जी मैडम। तो याद रखना, कल सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। मैडम जी, आप चिंता मत करो, बिल्कुल घड़ी के सवेरे पहुंच जाऊंगा। अब इतने बड़े मिल में मैं जीविका को ढूंढूं ऐसे? उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। उसका फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। जीविका, तुम सही सलामत हो। तुम्हें पता है हम लोग कितने घबरा गए थे? कब से फोन लगा रहे हैं तुम्हारा? तुम इतनी सुनसान जगह पर कर क्या रही थी? तुमने किसी के लैंडलाइन से मुझे फोन किया था क्यों? अगर मैंने चाचू को सारी सच्चाई बता दी तो वो अभी पुलिस को फोन करके उस इंसान को अरेस्ट करवा देंगे। नहीं नहीं, चाचू को अभी ये सब नहीं बताना चाहिए। जीविका, क्या सोच रही हूँ मैं? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है और तुमने किसी लैंडलाइन से फोन किया मुझे क्यों? चाचू, मैं यहाँ वो किसी को ढूंढने आई थी। मुझे लगा कि उसके पास कुछ सुराग होंगे जिससे वीरेन जी बेकसूर साबित हो जाएंगे, लेकिन वो इंसान नहीं मिला तो थक हार कर मैं घर ही चल रही थी। जीविका, फोन पर तो तुम इतनी घबराई हुई थी और तुमने अपने अपने फोन से भी फोन नहीं किया, किसी लैंडलाइन से फोन किया था। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया इसलिए मैंने लैंडलाइन से फोन किया। वो आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी ना चाचू, तो आपको लगा होगा कि मैं घबराई हूँ, लेकिन मैं घबराई हुई नहीं थी। एनीवेज, थैंक गॉड तुम ठीक ठाक हो। वैसे भी मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो यहाँ पर आती होगी। पुलिस? हाँ चाचू, उसकी क्या जरूरत थी? मैं ठीक तो हूँ ना। अरे क्या बात कर रही हो, पुलिस को फोन नहीं करते तो क्या करते? तुम्हारा कुछ ज्यादा पता नहीं, तुम फोन पे इतनी घबराई हुई साउंड कर रही थी। हम सब इतने घबरा गए थे, इनफैक्ट हमने तो पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी। नहीं चाचू, आप प्लीज पुलिस को फोन करके बोलिए ना कि वो ना आए। अब पुलिस आएगी, 100 क्वेश्चंस पूछेगी, कौन जवाब देगा? चाचू छोड़िए ना। अरे जीविका, वो आएंगे तो तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे थे उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देंगे। छोड़ो ना चाचू, प्लीज पुलिस को फोन करके बोलिए कि वो ना आए। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, चलिए ना चाचू। अच्छा चलो, मैं रास्ते में उन्हें फोन कर दूंगा। भगवान का शुक्र है कि जीविका सही सलामत है, वरना हम तो डर ही गए थे। पर बाबूजी, जीविका को इतनी रात को बाहर अकेले जाने की जरूरत ही क्या थी? भगवान का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर किसी मुसीबत में पड़ जाती तो?
तुम कहाँ चली गई थी जीविका? मुझे लगा तुम खाना खा के अपने कमरे में सो रही हो, लेकिन कहाँ गई थी बेटा? जीविका अगर तुम्हें कुछ काम था तो तुम मुझे उठा देती, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलती। कहाँ गई थी बेटा? आप तो जानती है ना, जब तक वीरेन जी बाहर नहीं आ जाते मुझे इस केस के अलावा और कुछ नहीं सोचता। जीविका बेटा, हम जानते हैं कि तुम वीरेन की रिहाई के लिए बेचैन हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताती। जीविका बेटा, ये निशान कैसे, कैसी लगी तुझे ये चोट? दीजिए वो क्या हुआ ना, मैं दीवार से टकरा गई और टकराने के वजह से ये चोट लग गई। मैं मानती हूँ मुझे आधी रात को घर से इस तरह अकेले नहीं निकलना चाहिए था। मैं क्या करती, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अदालत की अगली सुनवाई में केस का फैसला हो जाएगा, उससे पहले मुझे सारा सच पता करना है। I'm sorry. अगर इस सब की वजह से मैं अपने दूसरे फर्ज नहीं निभा पा रही, घर के नियम का मान नहीं रख पा रही, वीरेन जी के बाहर आने तक प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ा सा सब्र रख, वीरेन बहुत जल्द रिहा हो जाएगा। लेकिन बेटा, अगर तू यूं ही टेंशन लेती रहेगी ना, खुद की तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। नहीं बीजी, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। जा अपने कमरे में जाकर आराम करो, और हाँ सो जाना जाकर, मैं आके चेक करूंगी। कोई जरूरत नहीं है माँ, सो जाऊंगी। गुड नाइट। मैं जानता हूँ ये सब वीरेन ने जानबूझकर नहीं किया है, इनफैक्ट वीरेन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। वीरेन तो रिया की पूरी मदद कर रहा था, उसे सदमे से उभरने के लिए मेरा साथ दे रहा था। क्या कह रहा है तू वीरेन? इतनी बार रिया से मिल चुका है, फिर भी तू उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। योर ऑनर, ये ही रिया मलिक। जो कुछ भी दिखाए इस वीडियो में सब गलत, झूठा, कुछ भी झूठा, तू है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं रिया की मौत का पता लेकर आऊंगा, उसकी हर सीख का पता लेकर आऊंगा, तुझे मैं फांसी में चढ़ा कर आऊंगा। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड संभव ही है, पर वीरेन जी से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो? क्यों उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया? कल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जब वो इंसान पुलिस के सामने बयान देगा। बस कुछ ही घंटों में सारे राज खुल जाएंगे। जीविका बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही तू? पीजी, वीरेन जी से मिलने पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नाश्ता करके जा बेटा। वो मैंने जूस पी लिया है। जीविका देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू जो भी कर रही वो गलत है। हर पत्नी का फर्ज होता है, उसका धर्म होता है कि बुरे वक्त पे वो अपने पति का साथ दे। और जिस तरह तू वीरेन को बचाने की कोशिश कर रही है ना, मुझे तुझ पे बहुत नाज है बेटा। लेकिन अपना भी ख्याल रखना बेटा, वरना इस मुश्किल दौर से तू कैसे गुजर पाएगी? वीरेन को बेकसूर कैसे साबित कर पाएगी? जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर सब कुछ ठीक है ना, तो 2-3 दिन में वीरेन जी हमारे साथ होंगे, रिहा हो जाएंगे। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। यही ईट है, शक्कर था।
भवानी, इस दरवाजे के लॉक को देख के ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से कोई रह नहीं रहा। इतनी मिट्टी लगी हुई है। हाँ विराट, मुझे भी यही लग रहा है। एक मिनट विराट, इन लोगों से पता करते हैं। चल जी बोलिए। देखिए आपके बगल में ये जो गेट है ये लॉक्ड है, आपको पता है कहाँ गए हैं लोग? ये लॉक तो पिछले 5 साल से, अब ये लोग कहाँ गए हैं, क्यों गए, ये मुझे कैसे पता होगा? वैसे ये रिया का घर है ना? एक्चुअली ये रिया के पेरेंट्स का घर है। जब से रिया की शादी हुई उसके बाद से वो आई नहीं। क्यों, क्या उसने अपने पेरेंट्स से? एक बात बताऊं, सीक्रेट है वो। क्या है ना, रिया ने अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी की थी, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ना बेचारे बिल्कुल टूट गए थे। उसके बाद वो ये फ्लैट छोड़ के गए तो आज तक वापस नहीं आए। वैसे रिया ने शादी किससे की है, इस बारे में कुछ पता है आपको? अब रिया ने किससे शादी की, क्यों की, ये सब मैं कैसे जानूंगी? पर रिया के पेरेंट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? आई मीन आजकल वो कहाँ रहते हैं, यहाँ घर छोड़ के क्यों गए? रिया के पेरेंट्स के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। और उस वक्त ना मैं दुबई में थी, और दुबई से जब मैं वापस इंडिया आई तो मुझे ये पता चला कि मिस्टर मिसेस मेहता यहाँ नहीं है, और ये लॉक लगा हुआ है, तब से आज तक लगा हुआ है। लेकिन आप लोग कौन हैं और इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? हम, अब देखिए हम रिया के दूर के रिश्तेदार हैं, हम बाहर ही रहते हैं। अब काफी टाइम बाद यहाँ आई हूँ तो सोचा उससे मिल के चलूं, यही का एड्रेस था तो इसलिए आ गई। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि रिया की शादी हो चुकी है। ओ, तो आप रिया के रिलेटिव हैं दूर के ही से। पता करिए रिया के बारे में। हाँ, हम कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिए। वैसे तो मैं किसी के मामले में पढ़ती नहीं, लेकिन ये सारे लेटर्स मेहताज के हैं, और ये पोस्टमैन ये कहकर डाल देता था कि जब वो आएंगे मैं उन्हें दे दूं। अब आप लोग उनके रिलेटिव हैं, आप ही दे दीजिए। किशन, ओके, थैंक यू। अरे अजीब लोग हैं ये, मुंबई वालों को कोई कल्चर नहीं है क्या? हम दरवाजे पे खड़े, हमारे मुंह पे दरवाजा मारते। कम से कम ऋषिकेश में एक ग्लास पानी तो पिलाते हैं सब लोग। मानवी, तुम यहाँ पानी पीने गई थी नहीं ना? अगर तुम्हें प्यास लगी, गाड़ी में पानी की बॉटल पड़ी, वहां पी लेना। अगर इस पेपर्स में है क्या? माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ जीविका, तुमने इतना अर्जेंटली मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जीविका क्या हुआ, शीतल के बारे में कुछ पता चला? मैं सब बताती हूँ। कल रात में शीतल के घर गई थी और वहां सॉरी चाचू, मैंने कल रात आपको सारी असलियत इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं डर गई थी कि वो आदमी पुलिस की आहट सुनकर कहीं भाग ना जाए। लेकिन जीविका, तुम्हें वहां अकेले जाने की क्या जरूरत थी? इतनी सुनसान जगह, इतने खतरनाक लोग हैं, कहीं का कुछ हो जाता तो? सॉरी वीरेन जी, मैं तो बस उस औरत का पीछा कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला, लेकिन एक बात अच्छी हुई, मुझे वो आदमी मिल गया जो पुलिस के सामने सच बताने के लिए तैयार है। लेकिन जीविका, तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है कि वो यहाँ पर आके सब कुछ सच बताएगा? वो तो एक बदमाश है, एक सड़क छाप आदमी, उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो तुम? और क्या रास्ता है चाचू, आप ही बताइए। मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकती ना, और मुझे लगा कि कहीं We'll be right back.
आप ही वीरन बडेरा हैं। बहुत बुरा हुआ सर आपके साथ। तुमसे किसी ने पूछा? अपने कमेंट्स अपने पास रखो और जिस काम के लिए आए हो वो करो। आमिर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये इस केस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, प्लीज इसका बयान रिकॉर्ड कीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? सर तेजन। बैठो। क्या जानते हैं सिलसिलेवार बताइएगा। हवलदार जी। सर बयान नोट करो। बोलो। सर वीरन बडेरा जो है सर वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। सर तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? है ना सर। सर जिस रिया के खून के इल्जाम में वीरन को फंसाया जा रहा है सर, वो रिया रिया है ही नहीं सर, वो तो शीतल है, मेरी बहन। और सर शीतल जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वीरन को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ क्यों बोलेंगे? ठीक है प्लीज आप इंटरफेयर मत कीजिए, मुझे बात करने दीजिए। सर अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं शीतल को खुद यहाँ पुलिस स्टेशन में लेके आता हूँ। सर अगर वो सब कुछ आपके सामने खुद बोलेगी तो आपको विश्वास हो ही जाएगा ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रिया और शीतल के बीच में क्या पहेली है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब सर वो तो मेरी बहन ही बता सकती है। भैया तुम अब तक जिंदा हो? अरे मुझे तो लगा था कि मेरी गलती की वजह से उस रात तुम पहाड़ी से नीचे गिर गए। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर साहब, यही असली रिया, यही वो लड़की जिसके बारे में मैं कोर्ट में बात कर रहा था। कौन हो आप? एजेंट, ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी मुझे रिया कहकर क्यों बुला रहा है? ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश मत कर। तुम्हारे भाई ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। सच? कैसा सच? एजेंट, तुमने इन लोगों को मेरे बारे में क्या बताया है? और कौन है ये जो मुझे रिया कहकर बुला रहा है? देखो रिया, ये जो बेकार का ढोंग कर रही हो ना, ये करना बंद कर दो। इंस्पेक्टर साहब को सारी सच्चाई बता दो कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। क्या तुम और संभव दोनों मिल? अब ये संभव कौन है इंस्पेक्टर? देखो, तुम शीतल हो या रिया, इस बात का पता तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये नाटक करके तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम सब कुछ सच सच उगल दो। अभी इसी वक्त तुमने अपने मौत के जाल में वीरन को क्यों फंसाया और इसके पीछे किस किस का हाथ है, सब कुछ अभी कन्फेस करो। कोई जबरदस्ती है क्या? इंस्पेक्टर मैं शीतल हूँ, शीतल। मैंने किसी को नहीं फंसाया और मैं किसी रिया को नहीं जानती। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपके सगे भाई ने हमें बताया कि आपने संभव के साथ मिलकर वीरन को जानबूझकर फंसाया, जिस रिया के कत्ल का इल्जाम वीरन के ऊपर लगाया गया। वो रिया तो कभी मरी नहीं, वो रिया आप हैं, ऐसा आपके भाई ने हमें बताया। क्या तेजन, क्या कह रही है इंस्पेक्टर? क्या तुमने सच में ऐसा कुछ कहा है पुलिस को? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। ये बहुत ही स्वार्थी इंसान है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप मेरी बातों पे यकीन कीजिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं रिया नहीं हूँ और मैं किसी भी संभव नाम के आदमी को नहीं जानती हूँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।